नमस्कार दोस्तों, मैं अमर त्यागी स्वागत करता हूं आपका SD Empire लर्निंग हब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे अपडेट से। हमारा जो पहला अपडेट है आज का, कोस्ट गार्ड यांत्रिक 1/2020 यानी कि जनवरी 2020 का जो इसका बैच निकलने वाला है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गई है। इसकी जो एप्लीकेशन शुरू होगी वो 11/8/2019 यानी कि इसी महीने 11 तारीख से शुरू होगी। इसको आप 17 तारीख तक भर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। इसके लिए कोई भी फी एप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट इसमें दी गई है 18 से 22 साल। और इसके लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो दोस्तों हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए और 20 स्क्वाट अप्स उठक बैठक यानी कि वो लगाने हैं आपको, और 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 7 मिनट में, 10 पुशअप्स लगाने हैं और चेस्ट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, इसका जो लिंक है वो 11/8/2019 को एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आप हमारी वेबसाइट से फिलअप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है आपका RSMSSB राजस्थान एंटिटी टीचर रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों इसके। इसको भी आप हमारी साइट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। इसकी नोटिफिकेशन इशू हुई थी 21/8/2018 को। एप्लीकेशन इसकी 29/9/2018 को शुरू हुई थी और जो इसकी लास्ट डेट थी वो 28/10/2018 थी। जो इसका ओल्ड एग्ज़ाम डेट थी वो 10/2/2019 थी, लेकिन ये फिर उसके बाद एक्सटेंड करके इसको 24/2/2019 को कर दिया गया था। और इसका रिजल्ट आपका आ गया है दोस्तों, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारा दोस्तों आज के यानी कि 1/8/2019 के करंट अफेयर्स वन लाइनर्स, इनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारा RAC साइंटिस्ट बी एग्जीक्यूटिव, साइंटिस्ट बी और इंजीनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके अवेलेबल हो गई है इसकी नोटिफिकेशन। और जो इसकी एप्लीकेशन बिगिन होगी वो इसी महीने हो जाएगी। लास्ट डेट इसकी रहेगी 31/8/2019 और एग्ज़ाम फ़ी भी आपको इससे पहले पहले करनी है सबमिट। इसमें जो जनरल OBC और EWS हैं उनकी 100 रुपीज़ फ़ी है, बाकी सब कैटेगरीज पर फ़ी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से भर सकते हैं फ़ी को। इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो है 28 ईयर्स DRDO के लिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम 35 ईयर्स है आपका, 35 ईयर्स है DST के लिए मैक्सिमम, 30 ईयर्स है ADA के लिए मैक्सिमम, 28 ईयर्स है JEE TEC के लिए। इसमें टोटल आपकी 290 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिएगा। पूरी नोटिफिकेशन आप हमारी साइट से पढ़ सकते हैं। मैं आपको केवल इसकी मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। इसकी जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगी जैसे ही, वो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट हमारा आता है NTPC ITI डिप्लोमा ट्रेनिंग, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। इसमें जो इसकी एप्लीकेशन बिगिन हुई है वो आज ही से हुई है 1/8/2019 से, और इसकी लास्ट डेट है 31/8/2019। इसके लिए भी कोई फ़ी एप्लीकेबल नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, और इसमें टोटल 79 पोस्ट्स हैं। मैक्सिमम एज जो है आपकी 31/8/2019 तक 37 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो इसके डिप्लोमा ट्रेनी हैं उनकी इसी डेट तक 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन लिंक हमने दे दी है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको फिलअप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है हमारा UP SSSC फार्मासिस्ट एलोपैथ 2015, जो इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी 2015 की, उसके लिए उसके रिज़ल्ट आ गए थे और जो इंटरव्यू है उसका लेटर भी आपका आ गया है। इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है हमारा झारखंड SSC ड्राइवर रिज़ल्ट 2019, इसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं दोस्तों, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट है हमारी राजस्थान RVUNL टेक्निकल हेल्पर सेकेंड, इसका रिज़ल्ट आ गया है, इसको भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारा जो हमारा ट्रेंडिंग आर्टिकल होता है पर डे का, उसमें ये जो आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ है गिव रिवर्स मोर स्पेस। नेक्स्ट अपडेट है हमारा ट्रेंडिंग आर्टिकल आज का, बीमा की कमियाँ।
ये भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और इसके बाद आता है आपका लास्ट आर्टिकल, अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की दुविधा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अपडेट्स, बाकी इसी तरीके के अपडेट लेकर हम रोज़ाना आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।